हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज पद्मनी और आज मैं लेके आई हूँ एक नेचुरल स्क्रब जो कि आपके स्किन से एक्ने को रिड्यूस करेगी और स्किन को लाइटन करेगी और स्किन को अच्छे से क्लीन और क्लियर करेगी, पोर्स को मिनिमाइज करेगी। सो फ्रेंड्स, ये नेचुरल है जो कि है हल्दी और मुल्तानी मिट्टी स्क्रब। ये है तावे की तरफ से नेचुरल और रियल एंड सेफ, और ये खास करके सूटेबल है ऑयली स्किन वालों के लिए, क्योंकि ऑयली स्किन वालों में ज़्यादातर होते हैं एक्ने प्रॉब्लम्स, पिंपल्स की प्रॉब्लम। सो अगर आप कोई स्क्रब की खोज कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो ये आपकी स्किन को इम्प्रूव करती है, स्किन स्ट्रक्चर को, कॉम्प्लेक्शन को साथ ही मिनिमाइज करती है, पोर्स को और क्लीन करती है अच्छे से, और रिमूव करती है डेड स्किन सेल्स को। इससे आपकी स्किन एक्सप्लोइट होती है और यूथफुल लुक आती है और ये एक्ने को रिड्यूस करती है, मिनिमाइज करती है। सो फ्रेंड्स, ये अल्ट्रा लाइट जेल स्ट्रक्चर है और स्किन के लिए जेंटल है और ये अच्छे से क्लीन करती है बिना स्किन को ड्राई किए, और ये नेचुरल है, पाराबिन फ्री है और ये डेली यूज के लिए सूटेबल है। सो इसे यूज कैसे करना है? स्टेप वन, क्लींज विथ ताबी नेचुरल फेस वॉश। अगर ताबी का नेचुरल फेस वॉश है तो उसे आप पहले फेस को क्लीन कर लें और इस स्क्रब को लें और अपने फेस पे उसे अप्लाई करें, स्क्रबिंग करें। और थर्ड स्टेप है, आप अपने फेस पर धोने के बाद टोनर यूज करें रोज वाटर, और उसके बाद आप एलोवेरा जेल मॉइस्चराइज क्रीम अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये स्किन को ब्राइटन करती है, यूथफुल लुक देती है। अगर आप चाहते हैं एक नेचुरल स्क्रब अप्लाई करना, तो इस हल्दी और मुल्तानी मिट्टी वाली स्क्रब को आप ट्राई कर सकते हैं। ये नेचुरल है, रियल है, सेफ है और पाराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है और कोई हार्मफुल केमिकल इसमें नहीं है, SLS भी नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये थी हल्दी और मुल्तानी मिट्टी स्क्रबिंग के बारे में रिव्यू, और ये खास करके ऑयली स्किन वालों के लिए है और ये नेचुरल है, आप चाहें तो उसे ट्राई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे, बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।